बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और उनके उत्तर हिंदी में प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल नियाज टू क्लासेस को सब्सक्राइब करें। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपका ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। उत्तर है बी 5 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपका ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। उत्तर है सी 6 वर्ष। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा सदस्य, डी सुप्रीम कोर्ट। उत्तर है सी लोकसभा सदस्य। राज्यसभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। उत्तर है बी उपराष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपका ऑप्शन है ए 530, बी 540, सी 550, डी 552। उत्तर है डी 552। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपका ऑप्शन है ए 238, बी 240, सी 242, डी 250। उत्तर है डी 250। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि में एक बार होता है? आपका ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। उत्तर है बी 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि में एक बार होता है? आपका ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 2 वर्ष। उत्तर है डी 2 वर्ष। लोकसभा में वित्त विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राष्ट्रपति। उत्तर है बी वित्त मंत्री। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए लोकसभा सदस्य, बी राष्ट्रपति, सी राज्य विधानसभाएं, डी उच्च न्यायालय। उत्तर है सी राज्य विधानसभाएं। लोकसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए ऊपरी सदन, बी निचली सदन, डी अस्थाई सदन, डी विधान परिषद। उत्तर है बी निचला सदन। राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ऊपरी सदन, बी निचला सदन, डी सी अस्थाई सदन, डी विधानसभा। उत्तर है ए ऊपरी सदन। लोकसभा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आपका ऑप्शन है ए ओम बिरला, बी सुमित्रा महाजन, सी मीरा कुमार, डी मानिक राव गवित। उत्तर है ए ओम बिरला। राज्यसभा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आपका ऑप्शन है ए एम वेंकैया नायडू, बी हरिवंश नारायण सिंह, सी श्री जगदीप धनखड़, डी हामिद अंसारी। उत्तर है सी श्री जगदीप धनखड़। लोकसभा में एक सदस्य द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न की अधिकतम संख्या क्या है? आपका ऑप्शन है ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। उत्तर है बी 15। लोकसभा में पहला बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? आपका ऑप्शन ए 1947, बी 1948, सी 1950, डी 1951। उत्तर है सी 1950। राज्यसभा में पहला बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953। उत्तर है सी 1952। लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सदन होते हैं? आपका ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 4। उत्तर है बी 2। लोकसभा में बिल पास करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए आधे से अधिक, बी 2/3, सी 1/3, डी 3/4। उत्तर है ए आधे से अधिक। लोकसभा सदस्य कितने राज्यों से चुने जाते हैं?
आपका ऑप्शन है ए 29, बी 28, सी 27, डी 30। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जी के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।